आज ई प्रोजेक्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत खास इनोवेशन। इस प्रोजेक्ट में आप समंदरी पानी को बना सकेंगे बिल्कुल साफ और पीने के काबिल। अब ये कैसे होता है जानते हैं हमारे ई प्रोजेक्ट में। हर इन्वेंशन के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो पूरा समुंदर है इसका जो पानी है ना पीने के काबिल है ना इससे कपड़े धोए जा सकते हैं। अब हमें एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जिस तरह हमें नेचर ने करके दिखाया है कि पहले जो है वाटर वेपर्स बनते हैं, ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन वो जो पानी होता है वो ड्रिंकेबल होता है, उसे पिया जा सकता है और वो हार्ड नहीं होता, यानी मतलब उसमें सॉल्ट नहीं होता। मतलब आपने ऐसा पानी बनाना है जो पीने के काबिल हो, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक बॉल मौजूद है और ये आप देख सकते हैं ये हर घर में मौजूद होता है। इसके बदले आप कढ़ाई भी ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटल की बनी हुई हो, और इसके ज़रिए हम किस तरह से सी वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट बनाते हैं आइए हमको दिखाते हैं। इस वक्त आप ये देख रहे हैं एक पाइप है, ये नॉर्मल पाइप है, इसके अंदर कोई इक्विपमेंट कोई स्पेशल चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई। इसके अलावा एक ये गैट वाल्व है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, इससे ये इसको कवर करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। इस वक्त की इसकी कंप्लीट शक्ल आ चुकी है। अब ये जो होल्स हुए हैं जहाँ से एयर लीक होगी हम इसको क्लोज करवाने के लिए इस पर वेल्ड करवाएंगे। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जो पानी है ये खारा है इस वक्त। अब इसमें मैं ये भरूंगा और उसके बाद मैं आपको इसमें डाल के फ्लास्क में डाल के दिखाता हूँ ये कितना कंटेमिनेटेड और गंदा पानी है, और फिर इसको हम प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम सॉफ्ट पाउडर में पीने के काबिल इसको बनाया जा सके इसको। इस वक्त मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सैंपल में इतने ज़्यादा कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हैं और ये पता नहीं टॉक्सिक हैं या नहीं है, लेकिन इसमें जर्म्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो जर्म्स फ्री पानी जो है किस तरह से घर के अंदर तैयार किया जा सकता है। समुंदर किनारे हम एक घर में मौजूद हैं और ये खातून बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि समुंदर के पानी को क्या मीठा किया जा सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा है ना ही कभी करके देखा है। अगर ऐसा हो जाए कि ये सारा पानी जो समुंदर का है उसको आप घर में मीठा कर सकें तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, हमारी सब बात होगी, लेकिन होगा नहीं, कुदरत की तरफ से निकल रहा है समुंदर से। कैसे चले आए हम आपको करके दिखाते हैं कि समुंदर के पानी को मीठा किस तरह किया जाता है। इसमें मैंने कोई स्पेशल चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कढ़ाई को हमने बंद कर दिया और एक पाइप लगा दी है जहाँ से गैस निकलेगी। अब इसको देखें फिट किस तरह से करते हैं। ये एक सिंपल चूल्हा है घर का और उसके ऊपर जो है हमने इसे पाइप लगाना है। इसमें हम यहाँ से समुंदर का पानी डालेंगे और यहाँ से पीने का पानी निकालेंगे। इस वक्त देखें ये जो खारा पानी यहाँ पे मौजूद था इसको मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है, स्टोरेज टैंक बनाया है मैंने, जिस तरह घरों में टैंक होते हैं उस तरह से ये टैंक बन चुका है, और ये पाइप जो है मैं इसमें लगा दूंगा, हमारा जो सी वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट है इसमें फिट कर देता हूँ उसे। आप देख सकते हैं इसमें कंडेंसेशन शुरू हो गई है और ठंडा होने के बाद ये गैस जो है वो पानी के फॉर्म में दोबारा से आ गया, और हम इसको ठंडे पानी में रख देते हैं ताकि हमारे पास जो ये स्टीम है ये दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाए। आप जब इसे घर में करेंगे तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इस वाली बॉटल को जो है ये ठंडे पानी में डाल दें और इसको जो है ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि गैस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बारिश का पानी जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन वो जो बादल उठते हैं वो समुंदर से उठते हैं।
तो उसी चीज़ को हमने घर में जब किया तो आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है पीने के काबिल हो गया। और मैं आपको भी इसका जायका चखाता हूँ, आपको बताइएगा कि खारा है या मीठा है। इस पाइप को आप निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दें। इस वक्त ये ठंडा हो चुका है पानी और ये वेपर्स जो है पानी की शक्ल में आ चुके हैं। अब इस पानी का टेस्ट खारा है या मीठा ये हम आंटी से चेक करवाएंगे। अब आंटी आप ये चेक के बताइएगा कि ये पानी मीठा है या खारा है। ये आपके सामने ही हमने किया है और आप बताएंगे कैसा पानी है, चेक के देखिए। जिस तरह एक आंटी इस वक्त बना सकती हैं, तो जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये देख रहा है कि किस तरह खारे पानी को मीठा पानी बनाया गया है, तो क्या आप नहीं बना सकते?